तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और दोस्तों आज का जो पहला वीडियो हम चैनल में कवर करने वाले हैं वो रहेगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एस्टन विला के बीच इस मुकाबले का, करते हुए डिटेल एनालिसिस। इसके बाद दोस्तों न्यू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और उड़ीसा का जो मैच है दोस्तों ISL का, इसकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और बर्नली चेल्सी का मैच भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो। अगर वीडियो नहीं आ पाया तो इस मैच की GLSL की टीम्स आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो टेलीग्राम से आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। खासतौर पर SL टीम्स आपको जो मिल रही है और GL की जो 5-6 अलग अलग टीम्स मिल रही है वो आपको काफ़ी हेल्प कर रही है। कल हमारी एक टीम यहाँ पे GL की टीम ने धमाल मचा दिया दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों कल मैंने 5-6 जो GL की टीम्स दी थी उसमें से ये वाली टीम ने तो धमाल मचा दिया। कल लेस्टर ने 9 गोल मारे और मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि अगर ये 4-0 या 5-0 होगा तो दोस्तों ये टीम धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगी ऐसी। और जिसने वार्डिको के साथ आयोजी परेज को वाइस कैप्टन किया होगा तो उसकी GL यहाँ पे कन्फर्मली आई होगी। और ऐसी दोस्तों बहुत सारी टीम्स हमारे यहाँ पे GL की मिलती है, इसके अलावा SL की टीम्स मिलती है लास्ट में फाइनल टू। और कल के सारे मैचेस अच्छे गए थे और उम्मीद करता हूँ आगे को भी अच्छे जाएंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। हर मैच की लगभग GL की 5-6 टीम्स और SL की 2 फाइनल टीम्स आपको यहाँ मिलने वाली है। अब दोस्तों चलते हैं इस मैच के एनालिसिस। तो दोस्तों एस्टन विला और मैन सिटी का मैच है। मैन सिटी आप जानते हैं प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम्स में आती है, टॉप में रहती है, और एस्टन विला एवरेज टीम है। मैन सिटी का होम मैच है, स्टैंडिंग्स देखिए आप, मैन सिटी 3rd पोजीशन में तो एस्टन विला 12th पोजीशन में अभी लीग में। मैन सिटी के 6 जीत हैं, 2 हार है, 1 ड्रॉ है, और एस्टन विला के 3 जीत है और 4 हार है, 2 ड्रॉ है। तो ये मुकाबला मैन सिटी का होम मैच है तो मैन सिटी फेवरेट्स उतरेगी, लेकिन एस्टन विला चौंका भी सकती है। तो पिछले 4 रिजल्ट देखते हैं मैन सिटी के, देखते हैं पहले 2-0 डिनमो जयब्रक को हरा के आ रहे, फिर ये अपने घर में यहाँ पे वुल्स से 2-0 से हारते, तो इससे यहाँ पे आज एस्टन विला को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैन सिटी को घर में हराया जा सकता है। फिर पिछले जो लास्ट मैच हुआ था 5-1 अटलांटा और 2-0 क्रिस्टल पैलेस को हरा के आ रहे हैं। अब यहाँ एस्टन विला के देखते हैं, इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, 3-1 ब्राइटन को हरा था, फिर 2-2 बर्नली से ड्रॉ, फिर 5-1 नॉरिच और 2-1 ब्राइटन फिर से। तो दोस्तों ये देखिए पिछले दो चार मैचेस हैं उसमें लगभग इन्होंने 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच इन्होंने ड्रॉ खेला है। तो यहाँ पे एस्टन विला भी अच्छी फॉर्म में चल रही है। अब हेड टू हेड इनका नहीं हुआ, सीधे प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं मैनचेस्टर सिटी की। देखिए 4-3-3 की फॉर्मेशन से खेलते हैं, एडरसन इनके गोलकीपर हैं, वॉकर और मेंडी खेलेंगे फुल बैक पोजीशन में, वॉकर के प्लेस में कैंसिलो भी खेल सकते हैं और दोनों बहुत अटैकिंग हैं, आगे आके असिस्ट गोल करते हैं। फर्नांडिनियो और ओटामेंडी खेलेंगे सेंट्रल बैक पोजीशन में और इन दोनों के बहुत ज़्यादा पासेस आएंगे। साथ में AK गुंडगोन खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में, क्योंकि आज रॉड्री इंजर्ड है तो AK गुंडगोन के भी पासेस बहुत आएंगे। और केविन डी ब्रुइने और डेविड सिल्वा अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे। केविन डी ब्रुइने आप जानते हैं असिस्ट मशीन कहा जाता है इन्हें, सबसे ज़्यादा असिस्ट है प्रीमियर लीग में इनके, साथ ही गोल भी मारते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है। बाकी डेविड सिल्वा भी अटैकिंग मिडफील्ड में खेलने वाले। बात करें फॉरवर्ड लाइन की तो दोस्तों यहाँ पे खेलेंगे बर्नार्डो सिल्वा और रहीम स्टर्लिंग विंग्स में, और सर्जियो अग्वेरो स्ट्राइकर। सर्जियो अग्वेरो इनके पेनल्टी टेकर है और बहुत ज़्यादा गोल्स असिस्ट करते हैं, साथ में सिल्वा और स्टर्लिंग भी बहुत ज़्यादा गोल्स असिस्ट करते हैं, और रहीम स्टर्लिंग खासतौर पर गोल्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सिटी की पूरी टीम। अब यहाँ एस्टन विला की देखते हैं, 4-3-3 की फॉर्मेशन से ये भी खेलेंगे। हीटन इनके गोलकीपर हैं, गुइबर्ट और टारगेट इनके फुल बैक्स हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे और दिन अटैकिंग खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा स्टर्लिंग जैसे प्लेयर विंग्स में है तो ये थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों के अंदर पोटेंशियल है गोल असिस्ट करने का। मिंग्स और इंजल्स इनके फुल बैक्स हैं और मिंग्स हेडर्स में भी अच्छे हैं, सॉरी सेंटर बैक्स हैं, और ये दोनों के थोड़े पासेस आएंगे, और नकाम्बा इनके होल्डिंग मिडफील्डर है, पासेस में हेल्प करेंगे। अब जॉन मैकगिन में इनके वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर मैं कहूँगा, गोल्स असिस्ट दोनों मारते हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। हुरियन भी अच्छे प्लेयर मिडफील्डर है, सेंट्रल मिडफील्डर। ट्रेंजगुइट और जैक ग्रेलिस जो इनके कैप्टन है ये दोनों विंग्स में खेलेंगे, जैक ग्रेलिस का अच्छा फॉर्म चल रहा है। अब ट्रेंजगुइट के प्लेस में आप एनवल एल गाजी भी खेल सकते हैं, और वेस्ली इनके स्टार स्ट्राइकर है, पेनल्टी टेकर भी है, लेकिन इन्होंने लास्ट टाइम पेनल्टी मिस की थी और सबसे ज़्यादा गोल भी सीखे, तो यहाँ पे वेस्ली भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टैट्स देखे टॉप गोल स्कोरर जिस सीजन दोनों टीम से देखते हैं, मैन सिटी से अभी तक बहुत सारे गोल्स पड़े हैं, अग्वेरो के 8 गोल हैं, स्टर्लिंग 6, तो ये दोनों मस्ट पिक हैं। बर्नार्डो सिल्वा के 4 हैं, डिब्राइना डेविड सिल्वा के 2-2, जीजस के 3, महारेस 2 और ओटामेंडी 1। अब असिस्ट देखिए, डिब्राइना जैसे मैं कह रहा था असिस्ट मशीन है, 8 असिस्ट है इनके, डेविड सिल्वा 4, महारेस 3, बर्नार्डो अग्वेरो 2-2, जीजस स्टर्लिंग वॉकर 1-1। अब यहाँ एस्टन विला के स्टेट देखिए, वेस्ली के 4 गोल है, मैगिन के 3 गोल इनकी तरफ से, एलगाजी डगलस लुइस ग्रिलिश के 2-2 है, टारगेट और हुरियन का 1 गोल है। असिस्ट में भी एलगाजी के 3 असिस्ट है, ग्रिलिश के 3 असिस्ट है, गुइबर्ट 2, मैगिन, जोटा, वेस्ली, ट्रेंजगुइट, मिंग्स, हुरियन और टारगेट 1-1 असिस्ट। अब दोस्तों इस स्टेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
टीम बनाते टाइम ये काफी हेल्प करने वाला है, खासतौर पे मैन सिटी का आपको पता होगा प्लेयर्स के बारे में, लेकिन एस्टन विला का आपने नाम कम सुना होगा, तो इनके स्टेट्स काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको टीम बनाते टाइम, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करते हैं स्मॉल लीग में, मैन सिटी से टॉप थ्री प्लेयर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेंगे एग्वेरो, स्टर्लिंग और डिब्रायना, फिर बर्नार्डो सिल्वा, डेविड सिल्वा। एस्टन विला से वेस्ली, मैगिन और ग्रिलिश सबसे पहले रिकमेंड करूंगा, फिर टारगेट और ट्राजगुट और एलगाजी में से जो खेला वो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों प्रिडिक्शन, सिटी का होम मैच है तो सिटी यहाँ पे सिंक नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरी पहली प्रिडिक्शन 3-0 मैन सिटी, सॉरी 3-1 मैन सिटी है, जिसमें एस्टन विला भी एक स्कोर करेगी। दूसरी प्रिडिक्शन मेरी मैन सिटी क्लीन शीट वाली है, 3-0 सिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक टीम 1-0 एस्टन विला वाली भी देनी है और 0-0 ड्रॉ भी देनी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी है। कल आपने देखा लेस्टर ने 9 गोल मार दिए साउथैम्पटन के अगेंस्ट, तो प्रीमियर लीग में हर रिजल्ट की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सभी जो जीएल की 6 से 7 टीम होगी वो मेरे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही एसएल की फाइनल 2 टीम्स भी टेलीग्राम में मिलती है, तो जरूर जुड़िए टेलीग्राम से, काफ़ी मदद मिलेगी आपको और जीएल में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, इवन आप विन भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, जो जीएल टीम में जीता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम बनाते हैं तो। अब दोस्तों चलते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो ड्रीम इलेवन ने 2 टीम बनाई है, जो पहली और दूसरी दोनों टीमें मेरी प्रिडिक्शन 3-1 या 3-0 दोनों में काम आ जाएगी, और दोनों जगह मैंने यहाँ पे लिया मैन सिटी के साथ साथ प्लेयर्स, तो मैं पहली टीम में दिखाता हूँ। यहाँ मैंने दोस्तों क्या करा है, फुल ऑन अटैकिंग एक तरीके से कह लीजिए, यहाँ मेरे एडरसन मोराज गोलकीपर आ गए, फर्नांडिनियो वॉकर 8-8 क्रेडिट में मुझे मिलने हैं, और मिंग्स मैंने एक इनके डिफेंडर ले लिया, क्योंकि यहाँ क्रेडिट प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत हाईली क्रेडिट के दोनों टीम से प्लेयर हैं। तो यहाँ मैंने अग्वेरो भी ले लिया, स्टर्लिंग भी ले लिया और वेस्ली भी ले लिया फॉरवर्ड लाइन से, और यहाँ डिब्रायना के साथ डेविड सिल्वा, मैगिन नकाम्बा और ये मैगिन नकाम्बा, डेविड सिल्वा, डिब्रायना ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ बड़े प्लेयर्स जो मिसिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ अगर आप अटैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप डिफेंस लाइन में छिड़कान मत कीजिएगा, छिड़कानी। बाकी दोस्तों आप एक चेंज इसमें कर सकते हैं, मिंग्स के प्लेस में आप एंजल्स ले सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पे आप टारगेट भी ले सकते हैं, एक आप ये चेंज कर सकते हैं। मैंने मिंग्स इसलिए लिया क्योंकि ये पासिस बनेंगे, और वॉकर के प्लेस में अगर कैंसिलो खेले इनके साथ जा सकते हैं। फिलहाल आप फर्नांडिनियो से ऊपर दोस्तों यहाँ पे ओटामेंदी और मेंडी, अगर ये इनको लेना चाहते हैं फिर आपको क्रेडिट प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं अभी इनको नहीं ले रहा हूँ। अगर आपके क्रेडिट बचते हैं तो आप इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं, खासतौर पर ओटामेंडी। बाकी यहाँ मैंने डिब्रायना ले लिया। अब दोस्तों बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप करने पड़े हैं क्योंकि 9.5 क्रेडिट के, तो बहुत क्रेडिट प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही एक एस्टन विला के स्टार ग्रिलिश भी मुझे ड्रॉप करने पड़े। अब फिलहाल मैंने यहाँ डेविड सिल्वा ले लिया और जॉन मैगिन ले लिया। अब आपके पास डेविड सिल्वा के प्लेस में आईके गुंडगॉन का ऑप्शन है, लेकिन मैं डेविड सिल्वा को पहले प्रीफर करूंगा, या महरेज खेले आप महरेज भी ले सकते हैं। और नीचे से दोस्तों मैंने नकाम्बा ले लिया, जो एस्टन विला के मुझे अटैक ये डिफेंसिव मिडफील्डर सिर्फ 8 क्रेडिट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों बाकी फॉरवर्ड लाइन से एग्वेरो, स्टर्लिंग ये ड्रॉप मत कीजिएगा, और मेनली इन्हीं की वजह से क्रेडिट प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए 8.5 और 11 क्रेडिट के दोनों प्लेयर्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जजस खेलते एग्वेरो के बदले तब यहाँ पे क्रेडिट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है एग्वेरो ही खेलने वाले हैं। और यहाँ मैंने वेस्ली मोरास ले लिया। दोस्तों अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आप ट्रेंजग्यू के साथ जा सकते हैं, या अगर दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लेयर और मैं सजेस्ट करूंगा, अनवर एल गाजी, अगर ये खेले तो आप इनको स्योरली ले लीजिएगा। तो दोस्तों पहली टीम कुछ ऐसी है, कुछ सेक्रीफाइसेस मैंने जो किया मैंने बता दिया, यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा और जैक ग्रिलिस का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा है क्योंकि क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो पहली टीम ये है। अब यहाँ मेरे कैप्टन एग्वेरो है, वाइस कैप्टन मेरे स्टर्लिंग है, आपके पास यहाँ पे दोस्तों डिब्रायना और वेस्ली मोरास का भी ऑप्शन है वाइस कैप्टन करने का, फिलहाल सेम अग्वेरो और स्टर्लिंग ही रहने वाले हैं, या आप इनका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो पहली मेरी ये टीम है। अभी मेरी जो दूसरी टीम है, यहाँ मैंने एक बड़ा रिस्क लिया है, यहाँ मैंने स्टर्लिंग ड्रॉप कर दिया है, जिससे दोस्तों बहुत रिस्की होगा क्योंकि स्टर्लिंग 90% गोल्स में योगदान देते हैं सिटी का गोल्स असिस्ट में, लेकिन फिर भी इससे मुझे क्या करने को मिला है, यहाँ मैगिन के साथ साथ मोरास और ट्रेंजगो मिल गए, बाकी यहाँ डिब्रायना, बर्नार्डो सिल्वा और यहाँ डेविड सिल्वा तीनों मिल गए स्टर्लिंग ड्रॉप करने से, और पीछे से मैं बैकलाइन में तीनों डिफेंडर्स लेके चले गए सिटी के, जो मुझे क्लीन शीट में हेल्प करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये है 2 टीम्स। अब यहाँ मेरे कैप्टन एग्वेरो, वाइस कैप्टन डिब्रायना है, यह टीम थोड़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि स्टर्लिंग यहाँ मुझे ड्रॉप करने पड़े। आपके पास दोस्तों यहाँ तो डिब्रायना आप ड्रॉप कर सकते हैं, फिर भी एक अच्छी टीम बन जाएगी, लेकिन फिलहाल में स्टर्लिंग ड्रॉप करें इस टीम में। अब दोस्तों ये है 2 टीम्स, फिलहाल ये भी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम इसकी आपको टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस मैच की जो एसएल फाइनल टीम्स के साथ 6 जीएल की टीम्स भी आपको टेलीग्राम में मिलेगी, अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाली, तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।